तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सेगमेंटेशन, ठीक। नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में जितना भी था उसमें क्या क्या था, स्टार्टिंग से रिकॉल करो। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में नॉन कंटिजियस में, कंटिजियस में क्या था, फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम दो ही था। और नॉन कॉन्टिजियस में क्या क्या था, नॉन कॉन्टिजियस में पहले पेजिंग आया, फिर मल्टी लेवल पेजिंग आया, फिर इन्वर्टेड पेजिंग आया, उसके बाद सेगमेंटेशन आया, उसके बाद क्या आना है, सेगमेंटेड पेजिंग, यही आना है यहां पर। तो सेगमेंटेड में देखो एस क्या है, सेगमेंटेशन के लिए है, पी क्या है, पेजिंग के लिए है, यही है ना। सेगमेंटेड पेजिंग का मतलब क्या है, सेगमेंटेड पेजिंग, सेगमेंटेड पेजिंग। तो एस है सेगमेंटेशन के लिए, तो सेगमेंटेशन तो पता है पहले से, पी है क्या, पेजिंग के लिए। पेजिंग तो हम लोग बहुत ज्यादा देखे हैं, मतलब सब में तो पेजिंग ही था। देखो यहां भी पेजिंग है, यहां भी पेजिंग है, यहां भी पेजिंग है, तीन बार देखे पेजिंग को, एक बार सेगमेंटेशन को भी देखे। अब सेगमेंटेशन और पेजिंग एक साथ में आया है, यही है और कुछ नहीं है। तो मेन दिखने में क्या लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सा डायग्राम है, क्या है, एक सीपीयू बना है, लॉजिकल एड्रेस एक ऐसे यहाँ टेबल है, एक ए भी कुछ बता रहा है, ए भी बता रहा है, एक और टेबल है, यहाँ भी टेबल है, यहाँ भी टेबल है, बहुत सा पूरा बोर्ड भरा हुआ है। लेकिन सबसे मजा का बात क्या है कि सब कुछ इसमें पढ़ा हुआ है, बताएंगे आराम से बताएंगे, समझना। स्टार्टिंग में इसका क्वेश्चन हो सकता है ऐसा फील हो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिस तरीके से पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग आसान बन गया था, ये भी बहुत आसान बनेगा। और अगर ये आ गया सही से, इसका मतलब कि जितना भी अगर ये सही से तुम पढ़ लोगे, समझ जाओगे, इसका मतलब कि ये जो इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं अप टू सेगमेंटेशन, फ्रॉम पेजिंग टू अप टू सेगमेंटेशन, बहुत अच्छा से क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो यहाँ बताए हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन होगा जो डायरेक्टली कोरिलेट कर पाओगे। अगर कुछ चेंजेज भी उसमें रहा, फिर भी वहां पर तुम सोच कर बना ले सकते हो, अगर सही से सबका थ्योरी समझा हुआ है तो। थ्योरी बताए हैं अच्छे से, वीडियो देख कर समझ जाओगे, किसी में डाउट होगा फिर से एक बार देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। अभी क्या करना है, अभी केवल और केवल सेगमेंटेड पेजिंग पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक। पहले जो हुआ जो हुआ, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एक दो जगह डाउट आ रहा हो, कुछ छोटा छोटा डाउट आ रहा हो, पूरे टॉपिक जो है, मान लो पेजिंग एक टॉपिक है, पेजिंग वाले में पूरा पेजिंग मान लो 10 lines है, उसमें हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन में कुछ डाउट आ रहा हो, वो फिर से वीडियो देखना उसका, वो क्लियर हो जाएगा। अभी यहां पर देखते हैं, तो सेगमेंटेड पेजिंग है जब, तो सेगमेंटेड एस में क्या है, एस क्या है, सेगमेंटेशन है। तो सेगमेंटेशन किसको हम लोग कहते थे लास्ट क्लास में क्या बताया, जो हम लोग जब डिवाइड करते हैं एलएएस को जब पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, ये सब में एलएएस को पेजेज में डिवाइड किए थे, पेजेज में डिवाइड किए थे, सब पेज का साइज सेम था, सब पेज का साइज सेम था, और जो पेज का साइज था वही फ्रेम का साइज था, कहाँ, पीएएस में। तो पेज का साइज और फ्रेम का साइज दोनों इक्वल था वहां पर। इससे क्या पता चलता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, सबको छोड़ते हुए सीधा हम लोग क्या किए थे, पहले एलएएस को इक्वल साइज ऑफ पेजेज में डिवाइड कर दिए, कुछ नहीं देखे उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। सेगमेंटेशन में हम लोग क्या किए,
जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मान लो एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, जीसीडी के लिए है, अलग अलग फंक्शन के लिए, मतलब यूजर को जैसा इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो सब टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को देखते हुए हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड किए। मान लो एडिशन के लिए 10 इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए 55 है, तो सब्ट्रैक्शन का जो सेगमेंट का साइज होगा, जो 55 इंस्ट्रक्शन है तो ज़्यादा बड़ा होगा साइज सेगमेंट का, और जो एडिशन के लिए 10 है तो सेगमेंट का साइज छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो पेजेज में हम लोग डिवाइड कर रहे थे LAS को, वो पेजेज में क्या चेंजेस था, सब पेज का साइज इक्वल था, अभी यहाँ पर सब सेगमेंट का साइज इक्वल नहीं है। समझ रहे हो बात, मतलब कि सेगमेंट का साइज वेरिएबल है, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग साइज है। ठीक, तो ये तो हो गया सेगमेंटेशन। ठीक, अब सेगमेंट का साइज है, उस सेगमेंट को क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड सेगमेंट होता था हम लोग को, उस सेगमेंट को PAS में लाते थे। लाते थे का मतलब क्या, लाते थे का मतलब कॉपी करते थे। कैसे कॉपी करते थे, साइज वेरिएबल है ना, पहले जब हम लोग कॉपी कर रहे थे पेजेस को, तो पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल था। एक पेज जैसे ही यहां से कॉपी किए, यहां से यहां लाए, पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होने के चलते कोई भी पेज कहीं भी फिट आ सकता है। लेकिन सेगमेंटेशन में हम लोग PAS को फ्रेम्स में डिवाइड नहीं किए, इक्वल साइज फ्रेम में डिवाइड नहीं किए। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल साइज में कर देंगे तो यहां सेगमेंट तो नहीं है ना इक्वल, जब सेगमेंट इक्वल नहीं है तो यहां कॉपी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस तरीके से वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, जो कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में हम लोग पढ़े थे, मतलब कि जो साइज आया पहले यहां, डिवीजन फर्दर होगा आने के बाद, सेगमेंट के आने के बाद सेगमेंट्स के जो भी है साइज के अकॉर्डिंग डिवीजन होगा PAS में। और इसके चलते प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इसके चलते एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा था। जो लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं देखे हैं, आप कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में वेरिएबल फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, आप देख लीजिए, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मतलब उसमें क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब मेमोरी है जो यूजलेस हो रहा था, मेमोरी रहते हुए हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीज को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि कुछ मेमोरी यहाँ खाली है, कुछ यहाँ खाली है, कुछ यहाँ खाली है, अलग अलग जगह में खाली है, एक जगह में नहीं है वो। और उसके लिए, उसको रिमूव करने के लिए कंपैक्शन टेक्निक एक था, लेकिन वो टेक्निक बहुत कॉस्टली टेक्निक है। क्यों, सबको जितना एलोकेटेड है उसको एक साइड में मूव करवाना, मतलब कि जितना भी प्रोसेस रन कर रहा है प्रोसेसर में, उस सब प्रोसेसर को रोकना, उसके एग्जीक्यूशन को हैम्पर करना, जो डिजायरेबल नहीं है सिस्टम के लिए। तो वहां पर तो प्रॉब्लम आया सेगमेंटेशन में ऐसे, क्यों, वेरिएबल इसका साइज है। ठीक, यहां पर क्या है, देखो फ्रेम्स जब हम लिखे हैं तो फ्रेम का साइज 0, 1, 2, 3 सेम साइज है, सेम साइज है फ्रेम का, फ्रेम का साइज वेरिएबल नहीं है। लेकिन सेगमेंट जो हम किए हैं, सेगमेंट्स का साइज वेरिएबल हो सकता है। समझ रहे हो बात को, तो सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स का साइज वेरिएबल था, कुछ ज्यादा कुछ कम। अब एक चीज सोचो कि हम लोग एक्चुअली क्यों कर रहे हैं ये चीज, पूरा जो मेमोरी एलोकेशन आ रहा है नॉन कंटिजियस, उसमें किए क्या है, LAS का साइज ज्यादा बड़ा है, ग्रेटर साइज है, इस चक्कर में हम लोग का जो PAS है पूरे LAS को कॉपी नहीं यहां कर सकते हैं, क्योंकि PAS का साइज छोटा है। अब ये साइज नहीं देखना कि यहां पर 2 पावर 15 माइनस 1 है, यहां 2 पावर 16 माइनस 1 है, मतलब कि यहां मैक्सिमम नंबर कितना है 2 पावर 15, यहां 2 पावर 16 है, तो ज्यादा बड़ा तो यही हो गया। ये 2 पावर 16 क्या है, 2 पावर 16 नंबर ऑफ फ्रेम्स है, ठीक ना, और यहां पर 2 पावर 15 नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, और एक सेगमेंट में
बहुत सारा पेज है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है जो कि एक फ्रेम के साइज से बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? तो एलएस का साइज ज्यादा ग्रेटर है, पीएस का कंपैरेटिव बहुत कम है। प्रोसेसर को चाहिए डेटा कहां से? प्रोसेसर को पीएस से ही चाहिए। क्यों? पीएस क्या है? पीएस हम लोग का मेन मेमोरी है सिस्टम में, रैम में ही तो है। जो मोबाइल में यूज कर रहे हैं रैम, हम लोग देखते हैं कि रैम को फास्टर बनाना है, मतलब क्या करते हैं, 2 GB की जगह 4 GB रैम वाला मोबाइल आज कर लेते हैं। पहले रैम क्या था, 512 MB आ रहा था, उससे भी कम आ रहा था, वो छोटा छोटा रैम आ रहा था। अब रैम का साइज कहीं कहीं ऐसा है 6 GB 8 GB का रैम आना शुरू हो गया है। मतलब क्या, इसके साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां से जो लाना है हमको सेकेंडरी मेमोरी से यहां लाना है चीजों को, जो भी इंस्ट्रक्शन को लाना है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए, वो ज्यादा साइज यहां ले आ पाए, क्योंकि ज्यादा लाएंगे तो इजीली यहां से प्रोसेसर लेकर प्रोसेस करेगा। जो हम लोग का सीपीयू है, जैसे मोबाइल में अलग अलग काइंड ऑफ प्रोसेसर है, कुछ ऑक्टा कोर रहता है, कुछ और नाम रहता है, जो भी प्रोसेसर यही प्रोसेसर यहाँ ही रहता है, या फिर सीपीयू में प्रोसेसर जो होता है, सीपीयू मेन प्रोसेसर ही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखे, इस सेगमेंट्स में डिवाइड किए थे सेगमेंटेशन में, और सेगमेंट को यहाँ लाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि सेगमेंट का साइज इतना बड़ा है कि हम लोग पूरे सेगमेंट को पीएएस में नहीं लाना चाहते हैं। समझ रहे हो? एलएएस का साइज जब बहुत बड़ा था तो हम लोग क्या किए थे, एलएएस को, एलएएस को पेजेस में डिवाइड किए थे, पेजिंग, पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, इस सब में क्या किए थे, एलएएस का साइज ज्यादा है तो एलएएस को क्या किए, एलएएस को हम लोग पेजेस में डिवाइड कर दिए थे। यहां क्या किए, यहां सेगमेंट्स में किए हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं सिस्टम के लिए, सिस्टम क्या देख रहा है कि एक सेगमेंट को यहां सीधा लेकर आना डिजायरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा साइज, बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम कर रहा है। पीएस जो फिजिकल में एड्रेस स्पेस है, रैम का ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है एक सेगमेंट लाने में भी, तो हम लोग एक सेगमेंट को नहीं लाना चाहते हैं। सेगमेंटेशन में हम लोग पूरे सेगमेंट को कॉपी किए, जो भी सेगमेंट डिजायरेबल है, जो सेगमेंट हमको चाहिए उस सेगमेंट को यहाँ कॉपी किए, उसके बाद सीपीयू एड्रेस जनरेट किया, एस और डी आया था। एस क्या है, सेगमेंट नंबर, कौन सा सेगमेंट को कॉपी यहाँ से यहाँ लाया गया है, सेगमेंट नंबर एस बताया। डी क्या है, सेगमेंट का साइज बताया, एक सेगमेंट का, मान लो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये पर्टिकुलर इस सेगमेंट का साइज क्या, कौन बताया, डी बताया, ये सेगमेंट का साइज। एस क्या है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितना बिट का है, 15 bits का है, तो यहां देखो 0, 1, 2 अप टू कितना सेगमेंट है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितना है, 2 power 15 - 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओवरऑल कितना हो, 2 power 15, मतलब 2 power 15 नंबर ऑफ सेगमेंट्स है यहाँ। तो हम लोग का प्रोसेसर है जो, सीपीयू है जो, एक एड्रेस जनरेट किया, हमेशा लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करता है सिस्टम को, जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करेगा। इसमें क्या क्या है लॉजिकल एड्रेस में, पहले देखो लॉजिकल, समझ रहे हो, पूरे बोर्ड पर क्या क्या लिखा है सब हम बता रहे हैं, आराम से सुनते जाओ, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, 1 मिनट वीडियो को रोकना, पॉज करना, आराम से पानी पीना, रिलैक्स होना, फिर 2 मिनट में प्ले करना सबके सब, या तो हो सकता है थोड़ा पीछे जाकर प्ले कर लो, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ये मेरा एस्योरिटी है, समझ में आएगा, बस सुनना, क्या बोल रहे हैं सुनना है, कुछ नहीं करना है अभी, करना कब है, ये पूरे समझने के बाद क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में दिमाग लगाना, अभी दिमाग मत लगाओ, अभी जो बता रहे हैं बस सुनो, समझो कि कथा कहानी है, प्रवचन है, प्रवचन समझ के सुन लो, समझ रहे हो बात को, बस तो सुनना है अभी। तो देखो क्या किए, सीपीयू है जो, मतलब प्रोसेसर, एक एड्रेस जनरेट किया है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, जब एग्जीक्यूट कर रहा था, रनिंग स्टेट में था, तो एक एड्रेस जनरेट किया, क्यों एड्रेस जनरेट किया होगा, कुछ मेमोरी फेच करना होगा, रीड राइट कुछ ऑपरेशन करना होगा, डेटा चाहिए होगा कुछ ना कुछ,
तो एड्रेस जनरेट किया। एड्रेस कहाँ जनरेट किया है? लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है। लॉजिकल एड्रेस कहाँ है? लॉजिकल एड्रेस देखो यहाँ है, एलएस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब इसका एलएस का एड्रेस यहाँ जनरेट हुआ। ठीक, इस एड्रेस में क्या क्या है? एक एस है, एक डी है, इसमें देखो पार्टीशन है, इसी में 36 बिट का एड्रेस, 36 बिट्स कर लो, 36 बिट्स का एड्रेस में फर्दर पार्टीशन है, एस और डी में डिवीजन है इसका। क्या क्या है भाई? तो एस का मतलब क्या है? इसका मतलब सेगमेंट नंबर है। कौन सा सेगमेंट? मतलब जो डेटा फेच करना है सीपीयू को, कौन से सेगमेंट से डेटा फेच करना है, रीड राइट जो भी ऑपरेशन करना है कौन से सेगमेंट में करना है, ए को क्या बताएगा? एस बताएगा। तो एस कितना बिट का है? 15 बिट्स का है। क्यों? देखो नंबर ऑफ सेगमेंट्स 2^15 - 1 है, तो 2^15 - 1 किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से डेटा चाहिए। ठीक, अब उस सेगमेंट का साइज कितना है? उस सेगमेंट का साइज डी बता रहा है, समझ रहे हो? डी बता रहा है कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट में हम गए थे उस सेगमेंट का साइज कितना है। एक सेगमेंट का, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट, मान लो ए सेगमेंट लिए थे, इस सेगमेंट का, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, ए पर्टिकुलर सेगमेंट का साइज कितना है, ये कौन बताएगा? ये डी बताएगा। डी कितने बिट्स का है? 21 बिट्स का। देखो 36 में 15 बिट्स एस के लिए है, तो बाकी कितना बिट्स बच गया? 21 बिट्स, 21 प्लस 15 36 हो रहा है। मतलब क्या? ऐसा ऐसा कुछ लॉजिकल एड्रेस होगा, टोटल नंबर ऑफ बिट्स 36 बिट्स होगा, इसमें स्टार्टिंग का ये जो फ्रंट वाला है, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट्स है ये रहेगा डी के लिए, और जो इस साइड में लेफ्ट साइड में है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है वो रहेगा एस के लिए। ठीक, इसलिए देखो यहाँ भी वैसे ही किया गया है, यहाँ भी डिजन पहले एस लिया गया फिर बाद में डी है। तो एस क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट के लिए है, कितना नंबर ऑफ सेगमेंट है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ डी इसके साइज को बता रहा है। अब आगे सुनो, एकदम आराम से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे, समझने में टाइम ज्यादा लग जाए कोई खराब चीज नहीं है, क्वेश्चन बनाते समय गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान बस यही रखना है। अगर ये चीज अपने लाइफ में कर लोगे, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी टफ एग्जाम हो, अगर थ्योरी सही से समझ में आ चुका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया उस पर, कोई भी एग्जाम निकलेगा। हो सकता है कोई पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ, लेकिन अगर उसी टाइप का 4 एग्जाम 5 एग्जाम दोगे, एक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बस लाइफ सेटल है, एक एग्जाम तो चाहिए होता है, गेट कर रहे हो, गेट का एग्जाम दे दोगे, निकल गया, हो गया काम खत्म। और भी एग्जाम बहुत सारा होता है, बहुत सारे कॉलेज का अपना एग्जाम लिया जाता है, समझ रहे हो बात को? इसलिए आराम से देखो, एस है और डी है, तो डी क्या है? सेगमेंट के साइज को बताया। अब इसको थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, डी को थोड़ा देर के लिए यहां रहते हैं, एस को देखते हैं कहां गया होगा। ये एस आया कहां? देखो ऐसे एरो आया, यहां पर आया, इस टेबल को, इस टेबल में किसी पर्टिकुलर जगह पर आया है। तो ये टेबल क्या है भाई? देखेंगे, सेगमेंट टेबल, सेगमेंट टेबल है। सेगमेंट टेबल नाम सुना सुना लग रहा है ना, सेगमेंट टेबल नाम सुना लग रहा है, क्यों? सेगमेंट टेबल पहले भी आया है, कहां पर आया है? सेगमेंट टेबल यहां पर आया है, जब सेगमेंटेशन हो रहा है, पिछले वाले में जब सेगमेंटेशन किए थे तब सेगमेंट टेबल हम लोग को दिखा था। सेगमेंट टेबल क्या था? जो एक टेबल था, एक टेबल था जिसमें जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, मतलब 0, 1, 2 up to 2^15 - 1, जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, ये देखो सेगमेंट्स है, सेगमेंट 2^15 - 1, जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स है उतना ही नंबर ऑफ एंट्रीज सेगमेंट टेबल में होगा। सेगमेंट टेबल इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज देखो 0, 1, 2, 3, 4 up to 2^15 - 1,
जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स है उतना ही नंबर ऑफ एंट्रीज होगा। वही सेगमेंटेशन में भी हुआ था, सेगमेंटेशन में भी यही सेम था, सेगमेंटेबल ही तो था। मतलब क्या, सेगमेंटेशन में जैसे सेगमेंटेबल था सेम ऐसे ही यहां भी सेगमेंटेबल, कुछ नया नहीं है, समझो बात को। तो क्यों बता रहे हैं भाई नया नहीं है, तो बस इसमें दो लॉजिक को कंबाइन किया गया है, दो लॉजिक एस और पी है, इसको एक साथ मिलाया गया। हम एक कनेक्शन को बस बताएंगे, समझ जाओगे। तो कनेक्शन को बताने के लिए एक बेसिक हम इसके बारे में भी बता दे रहे हैं ओवरव्यू, इसके बारे में भी जो लोग थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं वो रिकॉल कर लेंगे और पूरे चीज को समझ जाएंगे, बस हो गया काम खत्म। और मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का लास्ट है ये भी जान लो, इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दोबारा नहीं आएगा। कहीं भी डाउट है अगर पेजिंग में मल्टी लेवल कहीं भी कुछ आया है, यहाँ पर आज समझ सकते हो अच्छे से, बहुत आराम से हम बताएंगे। चलो तो यहाँ देखिए, क्या सेगमेंट टेबल में किसी पर्टिकुलर एंट्री को, इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कहाँ दिखेगा हम लोग को, नंबर ऑफ सेगमेंट एलएएस में दिखेगा। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितना है, 2^15 - 1, यहाँ भी सेम नंबर ऑफ एंट्री है। यहाँ 15 बिट का सेगमेंट था, एस का वैल्यू था, ये पर्टिकुलर एंट्री को, किसी पर्टिकुलर एंट्री को बता रहा है, किसी पर्टिकुलर एंट्री के पास आया है ये एस का वैल्यू। तो एस से हम इस एंट्री में आए, सेगमेंट टेबल के इस एंट्री में आए, मतलब कि हम इस सेगमेंट नंबर से कुछ एक्सेस करना चाहते हैं। प्रोसेसर जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, ए जो सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 2 है, सेगमेंट नंबर 2 से कुछ डेटा चाहिए। तो क्या ये सेगमेंट है, नहीं ये सेगमेंट नहीं है, यह सेगमेंट टेबल, यहां पर सेगमेंट के बारे में कुछ डेटा है स्टोर्ड, जिस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, प्रोसेसर को जो सेगमेंट चाहिए उस सेगमेंट के बारे में कुछ डेटा है स्टोर, उसके हेल्प से हम लोग उस सेगमेंट के पास पहुंच पाएंगे जो सेगमेंट चाहिए प्रोसेसर को। तो यहां पर आए, जब इस एंट्री में आए तो यहां पर दिख रहा है एक्स, दिख रहा है एक है, एल है, ठीक। सेगमेंटेशन में भी जो सेगमेंट टेबल था उसमें क्या दिखा था, एक्स और एल वहां भी दिखा था। वहां पर एक्स क्या था, वहां पर एक्स था बेस एड्रेस ऑफ द गिवन सेगमेंट, मतलब जिस सेगमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं हम लोग उस सेगमेंट का बेस एड्रेस था। बेस एड्रेस क्यों दिए थे, फ्रेम नंबर क्यों नहीं दिए थे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल पार्टीशन स्कीम के अकॉर्डिंग पीएएस में वो चीज स्टोर्ड यहां था, समझ रहे हो, फ्रेम्स में डिवाइड ही नहीं हुआ था, उसमें सीधा सेगमेंट आ रहा था, स्टोर हो रहा था, फ्रेम का साइज इक्वल नहीं था, वेरिएबल था ये। तो इसलिए यहां पर एक्स जो था, वहां जो एक्स हम लोग देखे थे सेगमेंटेशन में, एक्स था बेस एड्रेस ऑफ गिवन सेगमेंट, इस सेगमेंट का सेकेंड नंबर सेगमेंट का बेस एड्रेस था। एल क्या था, उस सेगमेंट का सेकेंड नंबर सेगमेंट का, जो सेगमेंट को ये बता रहा है प्रोसेसर, जिससे डेटा एक्सेस करना है, डेटा फेच करना है, उसका साइज बता रहा था एल, उस सेगमेंट का साइज बता रहा था सेगमेंटेशन में। यहां पर क्या बता रहा है, यहां पर L तो उसी सेगमेंट का साइज को बता रहा है, लेकिन X है जो, ये जो X है जो वहां बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट, उस सेगमेंट का बेस एड्रेस को बता रहा था, लेकिन यहां X क्या बता रहा है, यहां कुछ और बता रहा है X। यहां क्या बता रहा है X, यहां बता रहा है पेज टेबल का बेस एड्रेस, यहां भी बेस एड्रेस ही बता रहा है, एक्स है जो बेस एड्रेस ही बता रहा है, लेकिन वहां पर सेकेंड नंबर सेगमेंट का बेस एड्रेस बता रहा था, यहां पर सेकेंड नंबर सेगमेंट का पेज टेबल का बेस एड्रेस। देखो एक्स यहां डिफाइन किया हुआ लिखा हुआ है, एक्स को देखो यहां पर क्या लिखा है, बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल ऑफ रिस्पेक्टिव सेगमेंट, समझ रहे हो, जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उस सेगमेंट का पेज टेबल का बेस एड्रेस है,
मतलब एक से लेकर जब हम जाएंगे उस एड्रेस पर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एक पेज टेबल मिलेगा। सेगमेंटेशन में क्या मिल रहा था, सेगमेंटेशन में अगर एक से लेकर हम जा रहे थे तो सेगमेंट ही दिख रहा था हम लोग को, सीधा सेगमेंट के पास हम चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सेगमेंट के पास नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर उस जो सेगमेंट एक्सेस करना है उस सेगमेंट का एक पेज टेबल है। कहाँ पर है पेज टेबल, देखो यहाँ पर है पेज टेबल है। देखो एक से लेकर आए, देखो ऐसे एक्स एक्स, देखो ऐसे एरो से आए हैं, देखो यहाँ ऐसे गया ए, देखो इस पर्टिकुलर जगह को बता रहा है। ये क्या है, बेस एड्रेस ये है ना, ये पेज टेबल ऑफ सेगमेंट। कौन से सेगमेंट का पेज टेबल है, सेकेंड नंबर सेगमेंट का पेज टेबल है। जीरोथ का कोई और पेज टेबल होगा, फर्स्ट का कोई और होगा, सेकेंड का कोई और है, सेकेंड का कोई और मतलब ए है, थर्ड का कहीं और होगा, फोर्थ का कहीं और होगा। सब सेगमेंट का जितना एंट्री है मतलब उतना सेगमेंट है, सब सेगमेंट में एक एक्स का वैल्यू है नीचे में, समझ रहे हो बात को। तो वो सब अलग अलग सेगमेंट के पेज टेबल को बताएगा, जिस तरीके से यहाँ एक्स लेकर हम लोग इस सेकेंड वाले सेगमेंट के पेज टेबल पर देखो ऐसे हम लोग चले आए। यह पेज टेबल किसका, सेगमेंट का पेज टेबल है, समझ रहे हो बात को। यह है सेगमेंट का पेज टेबल, क्यों है सेगमेंट का पेज टेबल, सेगमेंटेशन में तो नहीं था, सेगमेंटेशन में तो सीधा वहां से पहुंचे थे, सीधा सेगमेंट पर ही पहुंच गए थे। सेगमेंटेशन में यहां पर सेगमेंट ही था, यहां पर सेगमेंट नहीं है, पेज टेबल है। क्यों, क्योंकि हम लोग सेगमेंट में पेजिंग कर दिए। एक सेगमेंट का साइज बहुत बड़ा था, अब पूरे सेगमेंट को, एक सेगमेंट जो है ये पर्टिकुलर सेगमेंट मान लो है, या फिर सेकेंड है तो इसको लेते हैं, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का साइज बहुत बड़ा है, ये पूरा सेगमेंट को यहाँ नहीं लाना चाहते थे हम लोग, ये पूरे सेगमेंट को यहाँ पी एस में कॉपी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, अगर उतना साइज करेंगे तो मेरा मेमोरी बर्बाद होगा। इसलिए क्या चाहते हैं, इस सेगमेंट को फर्दर हम लोग छोटा छोटा पेजेज में, देखो ऐसे ऐसे पेजेज में डिवाइड किए, पेजेज में डिवाइड किए, इस सेगमेंट को पेजेज में डिवाइड किए। अब उसके पेज को यहां लाएंगे, इसके एक पेज जैसे ए पेज है, इस पेज को यहां कॉपी करेंगे फ्रेम में, ए पेज चाहिए तो ए पेज को यहां लाएंगे, यहां से मान लो यहां कॉपी कर लिए, पेज को कॉपी करेंगे फ्रेम में। पहले क्या था, सेगमेंट को डायरेक्टली यहां ला रहे थे, अब सेगमेंट को नहीं लाएंगे, पेज को लाएंगे। तो जब पेज को ला रहे हैं तो कौन से पेज को एक्सेस करना है, ये बताने के लिए पेज टेबल तो चाहिए ना, क्योंकि पेज को हम लाएंगे तो पेज यहां से कॉपी करके हम लोग तो यहां लेकर चले आए। ये क्या है, यह फ्रेम है, क्यों पीएस है, पीएस को फ्रेम्स में यहां डिवाइड कर दिए हैं। सेगमेंटेशन में क्या था, पीएस को डिवाइड नहीं किए थे फ्रेम्स में, जैसे सेगमेंट आएगा वेरिएबल पार्टीशन स्कीम के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता था, यहां पर पहले ही फ्रेम्स में डिवाइड कर दिए। क्यों, हम लोग को पता है कि सेगमेंट को कॉपी करना ही नहीं है, हम लोग यहां सेगमेंट के पेज को लाएंगे। एक सेगमेंट का जो छोटा छोटा पेज होगा, छोटा छोटा पेज होगा, उस पेज को यहां लाएंगे, इसलिए इसको भी फ्रेम्स में डिवाइड किए। तो पेज में जब डिवाइड किए तो पेज का कुछ साइज रहा होगा ना, जब पेज में डिवाइड किए एक सेगमेंट को देखो ऐसे पेज में जब डिवाइड किए तो पेज का कुछ साइज भी तो होगा। तो पेज का साइज कहां देखेंगे, देखो यहां लिखा हुआ है पेज साइज ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 4KB, मतलब पेज का साइज, जो एक पेज का साइज 4KB है, ऐसा बहुत सारा पेज है, देखो ऐसा बहुत सारा पेज है, एक पेज का साइज 4KB है। तो जब पेज को यहाँ कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पेजिंग में भी जब हम लोग पेज को कॉपी किए थे तो क्या था, वहां पेज का साइज और फ्रेम का साइज क्या था, इक्वल हो रहा था। तो यहां भी देखो फ्रेम साइज इक्वल टू पेज साइज ऑफ सेगमेंट, मतलब जो फ्रेम का साइज है वो पेज का साइज है, पेज का साइज और फ्रेम का साइज यहां इक्वल है, समझ रहे हो बात को।
पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल है, यहाँ एक एक पेज का जो साइज है जो फ्रेम का साइज, क्यों? क्योंकि पेज ही तो पेज को ही यहाँ लाना है, फ्रेम में कॉपी किसको करना है, फ्रेम में पेज को ही कॉपी करना है, सेगमेंट को नहीं करना। सेगमेंट का साइज देखो बहुत बड़ा साइज है, इतना बड़ा साइज है, ये हम नहीं लाना चाहते हैं। हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे छोटा छोटा पार्ट में और पेज को यहाँ लेकर आएंगे। समझ रहे हो बात को? तो मतलब यहां से कॉपी करेंगे पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल है, समझ रहे हो? अब इसके बाद तो जब पेज को यहाँ कॉपी किए, इस पेज को कौन से फ्रेम में हम कॉपी किए हैं, ये फ्रेम में कौन से फ्रेम में कॉपी किए हैं, ये तो पता होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं डेटा एंट्री करना पड़ेगा ना। तुम कहीं भी मान लो अपने घर में ही तुम अपने भाई को बोले हो कि लो ये मार्कर को कहीं रख देना, वो मान लो कहीं रख दिया, अब मान लो बाद में भूल गया कहाँ रखा है, तुम कैसे ढूंढोगे इसको? घर तो छोटा है तो ढूंढ लोगे, लेकिन टाइम तो लगा ज्यादा ना। अगर डायरेक्टली पता होता कि मार्कर कहाँ रखा है, तुम भाई से पूछोगे कहाँ रखा है, वो दिमाग में याद किए हुए है, सीधा बताएगा कि हाँ मार्कर वहाँ है, तुम सीधा वहाँ से ले लोगे, समझ लो। तो डायरेक्टली पता है तो ईजी हुआ ना, टाइम नहीं लगा ना सर्च करने में, सर्चिंग टाइम तो लगेगा ना। एक अगर नहीं पता होगा तो क्या रहेगा, पूरे घर में सर्च करोगे, हो सकता है बहुत कम टाइम में मिल जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इसके लिए सर्चिंग के लिए एल्गोरिथम सब्जेक्ट में पूरे चीज बताएंगे कैसे कैसे सर्चिंग होता है, सर्चिंग का अलग अलग टाइम है, कुछ टाइम छोटा है, कुछ वर्स्ट केस में ज्यादा टाइम भी लगता है, बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है, एवरेज केस है, अलग अलग केसेज है उसमें सर्चिंग में। तो हम लोग सर्चिंग में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग एक टेबल मेंटेन कर रहे हैं, एक पेज टेबल मेंटेन कर रहे हैं, जिस तरीके से पेज टेबल हम लोग पेजिंग में मेंटेन किए थे, पेजिंग में देखो ये पेजिंग था ना, पेजिंग में मल्टी लेवल पेजिंग में सब में तो पेज टेबल मेंटेन कर ही रहे थे, और सेगमेंटेशन में भी सेगमेंट टेबल तो मेंटेन किए ही थे ना। कि सेगमेंट अगर किसी सेगमेंट को कॉपी किए हैं तो कहाँ पर कॉपी किए हैं, तो उस जगह का बेस एड्रेस तो यहाँ स्टोर करते ही थे। क्यों बेस एड्रेस से स्टोर करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि सेगमेंट का साइज वेरिएबल था, तो यहाँ भी पीएस में वेरिएबल अलग अलग जगह में सेगमेंट का बेस एड्रेस आ रहा था, इसलिए हम लोग इसके बेस एड्रेस को यहाँ स्टोर कर लिए थे। यहाँ पर क्या है, सेगमेंट को फर्दर डिवाइड कर दिए हैं पेजेज में, इसलिए पेज को ही कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से एक पेज को लाते हैं, यहाँ कॉपी करते हैं, फिर कहीं और कॉपी करते हैं, मतलब फ्रेम से में कॉपी करते हैं। तो कौन सा पेज कौन से फ्रेम में कॉपी हुआ है वो कैसे पता चलेगा, पेज टेबल से पता चलेगा। ये क्या है, पेज टेबल ऑफ सेगमेंट। तो क्या सब सेगमेंट का एक ही पेज टेबल है? नहीं, सब सेगमेंट का अपना अपना पेज टेबल है। ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, सेगमेंट है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, इसका पेज टेबल है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में। कौन से सेगमेंट के बारे में भाई, कौन सा पर्टिकुलर? तो पर्टिकुलर कौन सा है, देखो यहाँ पर ये कैसे ओपन किए हैं इस पेज टेबल को, देखो यहाँ पर यहाँ से लाए, इसका वैल्यू लाए, इसका वैल्यू सेगमेंट नंबर का वैल्यू लिए, सेगमेंट टेबल में उस एंट्री में गए जो पर्टिकुलर सेगमेंट हम लोग को चाहिए था, वहां से बेस एड्रेस हम लोग को मिला वो पर्टिकुलर सेगमेंट के पेज टेबल का, यहाँ से उस बेस एड्रेस को लेकर, देखो बेस एड्रेस को लेकर गए, इस टेबल को ओपन कर लिए। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब ए मत समझ लेना, जो ए वाला एक्स सब इक्वल है, नहीं सब डिफरेंट है। हाँ, नंबर ऑफ बिट्स इक्वल हो सकता है, क्यों? क्योंकि पेज टेबल कहाँ स्टोर्ड है, पेज टेबल स्टोर्ड कहां पर है, एक्स क्या है, बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल ऑफ सेगमेंट, एक्स है जो बेस एड्रेस है सेगमेंट के पेज टेबल का, समझ रहे हो बात को? तो पेज टेबल स्टोर्ड कहां पर है, पेज टेबल स्टोर्ड है पीएएस में, क्यों? एलएस में हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, एलएस क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे सिस्टम में हार्ड डिस्क हो गया, मोबाइल में मेमोरी कार्ड हो गया, सेकेंडरी मेमोरी है, उसका एक्सेस कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ करेंगे तो हम लोग के लिए डिजायरेबल नहीं होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए पेज टेबल को यहाँ ही रखेंगे। जब यहाँ ही सब पेज टेबल रख रहे हैं
तो नंबर ऑफ बिट्स जितना चाहिए फ्रेम के लिए, फ्रेम किसी पर्टिकुलर फ्रेम में रखे होंगे ना, पेज टेबल को फ्रेम में ही रखे होंगे। हो सकता है पेज टेबल का साइज फ्रेम के साइज की इक्वल है तो एक में ही आ जाए, हो सकता है पेज टेबल का साइज ज्यादा बड़ा है एक फ्रेम से, तो हो सकता है चार फ्रेम मिलाकर एक पेज टेबल स्टोर हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं भी रहे बेस एड्रेस, ये जो बेस एड्रेस है वो ओपन करेगा पेज टेबल का पार्टिकुलर सेगमेंट को, समझ रहे हो बात। तो ये पेज टेबल ऑफ सेगमेंट हम लोग ओपन कर लिए, ठीक। तो इस पेज टेबल जब ओपन किए हम लोग तो क्या देख रहे हैं, पेज टेबल में एफ है, एफ है, देखो यहां भी एफ है, यहां भी एफ है, सब कुछ फ्रेम नंबर बताने का कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो बात को। कुछ फ्रेम नंबर अंदर में इंटर किया गया है, तो यहां से फ्रेम नंबर लेकर कहां जाएंगे, फ्रेम्स में जाएंगे। फ्रेम कहां है, पीएस में है, तो कौन से फ्रेम में जाएंगे भाई, का कौन से एंट्री में जाएंगे, पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्री है, जो नंबर ऑफ एंट्री कितना होता था याद करो, पेजिंग में, पेजिंग में, पेजिंग या मल्टी लेवल पेजिंग दोनों में नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल कितना था, नंबर ऑफ पेजेस जितना था, जितना नंबर ऑफ पेज होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री होगा पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग में। इन्वर्टेड पेजिंग में क्या होगा, थोड़ा रिवर्स जाते थे हम लोग, क्या नंबर ऑफ फ्रेम्स जितना था उतना नंबर ऑफ एंट्री था पेज टेबल में, किस में, इन्वर्टेड पेज टेबल में। देखो सब रिकॉल करवा रहे हैं, आराम से रिकॉल होगा, पूरे जितना नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है सबको अभी आज रिकॉल करवा देंगे और आज एंड भी करेंगे, इसलिए आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। अरे 10 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझे रहोगे ना, दोबारा रिविजन टाइम जब करने जाओगे तुम्हारा आधा घंटा दो घंटा सेव होगा उसमें ही, तो 10 मिनट यहाँ ही इन्वेस्ट कर लेते हैं आराम से, ठीक ना। चलो फिर तो पेजिंग वाले में हम लोग क्या देखे थे, जो पेजिंग में नंबर ऑफ एंट्री जो था, पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्री जो था जितना नंबर ऑफ पेजेज था, ठीक। तो यहां भी जब पेज टेबल ऑफ सेगमेंट है, एक सेगमेंट का पेज टेबल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हाँ नंबर ऑफ एंट्री कितना रहेगा, देखो 0, 1, 2, 3 up to 2 power 9 minus 1, ये नंबर ऑफ एंट्री किसके बराबर होगा, जितना नंबर ऑफ पेजेज एक सेगमेंट में होगा, एक सेगमेंट में, कौन सा सेगमेंट में, जिस सेगमेंट को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिस सेगमेंट को ए 15 बिट बता रहा है, जिस सेगमेंट को ए 15 बिट बता रहा है, जो यहां पर आए, ये जो सेगमेंट नंबर है मान लो सेकंड को बता रहा है, तो सेकंड वाले सेगमेंट में जितना नंबर ऑफ पेजेज होगा, जितना नंबर ऑफ पेजेज होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री होगा, देखो नंबर ऑफ एंट्री होगा किसमें, पेज टेबल ऑफ सेगमेंट में। हो सकता है किसी और सेगमेंट का, किसी और सेगमेंट का पेज टेबल रहे उसमें इससे ज्यादा एंट्री हो सकता है, इससे कम एंट्री हो सकता है किसी और सेगमेंट में, क्योंकि सेगमेंट का साइज तो वेरिएबल है ना, सेगमेंट का साइज फिक्स हम कहां बोले हैं, सेगमेंट का साइज फिक्स नहीं बोले हैं, सेगमेंट को जब हम पेजेज में डिवाइड करेंगे, छोटा छोटा पेज में जब डिवाइड करेंगे, किसी भी सेगमेंट को पेज में जब हम डिवाइड करेंगे, उस पेज का साइज 4KB है, पेज का साइज इक्वल है, सेगमेंट का साइज इक्वल नहीं है। जब पेज का साइज इक्वल है या सेगमेंट को पेज में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ज्यादा बड़ा सेगमेंट होगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पेज होगा, समझ रहे हो, जो कम छोटा सेगमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ पेजेज कम होगा, क्यों, पेज का साइज इक्वल है, पेज का साइज कितना है 4KB है, वो किसके बराबर है, फ्रेम के साइज के बराबर है, फ्रेम के साइज के बराबर है, क्यों, क्योंकि एट लास्ट हम लोग पेज को ही फ्रेम में कॉपी कर रहे हैं, पेज को ही लेकर आ रहे हैं ना फ्रेम में, बस इसीलिए। तो यहां पर पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्री जो है 0, 1, 2 ये सब नंबर ऑफ एंट्रीज है, जो कितना है, जितना नंबर ऑफ पेजेज है सेगमेंट में,
एक सेगमेंट में कितना नंबर ऑफ पेज हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे सेगमेंट का साइज क्या है। अब थोड़ा पीछे आते हैं, यहां से पीछे आते हैं, ठीक, ये यहां पर है, इसको होल्ड में रखते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं सेगमेंट के साइज को देखने के लिए। सेगमेंट का साइज कहां देखेंगे, अब सेगमेंट का साइज कहां देखेंगे, अभी क्या बताए, प्रोसेसर है जो लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया 36 बिट्स का था, इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स था ये सेगमेंट नंबर को बता रहा है, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है राइट साइड में जो है वो सेगमेंट के साइज को बता रहा है, मतलब डी क्या है, डी सेगमेंट के साइज को बता रहा है। सेगमेंट का साइज क्या है, 21 बिट्स का है, मतलब 2 पावर 21 हुआ, 21 बिट्स का है, तो ये है 21 बिट्स का, क्या डी है, ठीक। तो सेम जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, जिस तरीके से पहले हम लोग कर रहे थे सेगमेंटेशन में, कि यहां से सेगमेंट नंबर लिए इससे और डी आया, तो डी को हम लोग लाए, देखिए क्या सेगमेंट, ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, इस सेगमेंट का साइज एल बता रहा है, एल वही था ना, एक्स क्या था, बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंटेशन में एक बार थोड़ा पीछे जाकर देखो, मूवी है, मूवी तो ऐसे ही देखते हैं ना, थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा पीछे देखते हैं, चार स्टोरी को मिक्स करता है साउथ इंडियन मूवी में, बस वही करना है, अब मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे, देखो आराम से। सेगमेंटेशन में जब पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग गए, क्योंकि एंट्री है जो सब सेगमेंट को बता रहा है, सब एंट्री अलग अलग सेगमेंट को बता रहा है, जब सेगमेंट में हम लोग जाते थे तो सेगमेंट का एंट्री में एक्स था जो बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट बता रहा था, अभी क्या बता रहा है, अभी पर्टिकुलर सेगमेंट का पेज टेबल का बेस एड्रेस बता रहा है, ये जो पेज टेबल है। तो यहाँ तो हम लोग आ गए थे, एक और एंट्री एल है, एल क्या बता रहा है, एल साइज ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट, ये जो गिवन सेगमेंट है सेकंड नंबर सेगमेंट है, ये जीरोथ फर्स्ट सेकंड नंबर जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का साइज कौन बता रहा है, इस सेगमेंट का साइज एल बता रहा है, एल ही बता रहा है ना, तो एल इसका साइज बता रहा है, और यहां से हम लोग को डी मिला है जो एड्रेस जनरेट किया है प्रोसेसर सीपीयू, जो जब डी मिला है हम लोग को, तो डी एस क्या है, सेगमेंट नंबर बताएगा, डी क्या है, सेगमेंट का साइज बताएगा। तो हम लोग पहले देख चेक कर लेंगे कि जो एड्रेस जनरेट हुआ सही है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीपीयू गलत एड्रेस जनरेट कर दिया है, मान लो गलत एड्रेस है, हम लोग यहां जाकर ढूंढ रहे हैं, कोई गलत डेटा को लेकर चले आए, उससे पहले हम लोग चेक कर लेंगे सही एड्रेस है या नहीं। तो एड्रेस कैसे देखेंगे, सेगमेंट नंबर तो यहां मिल गया, चलो मिल गया, अब इसका साइज डी बता रहा है ना, साइज देखो डी है ना, डी को यहां लाए हम लोग, देखो डी को यहां लाए, यहां से डी को हम लोग यहां लाए, ये नीचे में आए, एल जो है, एल यहां पर सेकेंड सेगमेंट का साइज बता रहा है, यहां एल को लाए और यहां चेक कर लिए, क्या क्या चेक किया यहां पर, लेस देन, लेस देन मतलब क्या, डी लेस देन एल, मतलब डी जो है लेस देन एल है कि नहीं, अगर डी जो जेनरेट किया हुआ है अगर एल से छोटा है, अगर लेस देन है, मतलब कि जिसके बारे में प्रोसेसर बात कर रहा है, जो डी जो साइज पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहा है वो इस सेगमेंट में है, लाई करता है, अगर डी का साइज बड़ा है, मान लो हम क्या बोलते हैं कि एक किताब है, सिंपल सोचो 1000 पेज का किताब है, हम एक्सेस करना चाहते हैं किसी पेज को, किसी पेज को उपलट के हमको देखना है कोई चीज, 1000 पेज का है किताब, हम क्या बोल दिए कि 512 पेज नंबर ओपन करो तो कुछ देखना है, तो तुम 512 पेज नंबर ओपन किए, हमको दिखा दिए, चलो हम पढ़ लिए, हो गया काम खत्म। अब मान लो हम 1235 पेज नंबर बोलेंगे, तब क्या बोलोगे तुम, 1235 1000 पेज है ही, 1235 कैसे ओपन कर सकते हैं, पेज 1000 ही है ना, तो 1235 पेज कैसे आएगा। सेम वही चीज है, मान लो जो जनरेट किया है डी, डी को देखें क्या कि एल जो है यहां पर लेस देन, भी लेस देन इक्वल टू कर सकते हो, बात वही है, उसके अंदर रहना चाहिए। तो जो डी है, जो डी जनरेट किया हुआ है, ए साइज, अगर डी का साइज एल से छोटा या बराबर नहीं है, ए मैक्सिमम साइज है, एल एल है जो मैक्सिमम साइज है, जैसे जिस तरीके से एक किताब का साइज 1000 पेज का है, ठीक,
मैक्सिमम साइज क्या है 1000 है, मैक्सिमम लिमिट है। तुम क्या किए थे जब 1235 हम बोले हैं तो कंपेयर किए 1000 से, क्या देखे कि 1235 1000 से ज्यादा बड़ा हो रहा है, मतलब कि किताब के बाहर चला जाएगा, उस पर्टिकुलर किताब में है ही नहीं, समझ रहे हो बात को। तो पहले डी को लाए, डी को हम लोग कंपेयर किए किससे, एल से कंपेयर किए। जब एल से कंपेयर किए हम लोग, तब क्या हम लोग देख रहे हैं कि अगर डी लेस देन एल है तब तो सही है, आगे काम करेंगे। अगर मान लो नहीं रहा, वही 1235 वाला हिसाब हो गया कि 1000 से ज्यादा है 1235, तब क्या करेंगे, अगर लेस देन इक्वल टू कर लो, लेस देन इक्वल टू नहीं रहा तो नो, मतलब कि ए नहीं कंडीशन सही है, डी लेस देन इक्वल टू एल नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रैप टू ओएस। ये देखो हम लोग रुक जाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो हम लोग एड्रेस को गलत रीड कर रहे हैं या तो प्रोसेसर गलत एड्रेस जनरेट कर दिया, हम लोग यहां ही रुक जाएंगे, बस काम खत्म। क्यों, गलत एड्रेस ही बोल रहा है, 1235 पेज नंबर कहां था तुम लोग, 1235 पेज नंबर किताब में रहेगा तब ना हम पढ़ेंगे जी, समझ रहे हो बात को। अब है ही नहीं, अगर होता तो तुम ओपन करके दोगे हमको, हम उसको पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा है, हम यूज करेंगे कैसे यूज करना है बात का बात है, लेकिन अब पेज ही नहीं है, पहले तो ही देखना है। तो अगर डी लेस देन इक्वल टू एल नहीं है, नो नहीं है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो ट्रैप टू ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ये कंडीशन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए इस पर्टिकुलर जो मेमोरी लोकेशन है उसको फेच करना। ठीक, अगर पॉसिबल है, यस है, सही है कंडीशन, डी लेस देन इक्वल टू एल है, मतलब हम 912 पेज नंबर बोल दिए। देखिए 912 क्या है, 1000 से कम है, मतलब है पेज एग्जिस्ट कर रहा। अब पेज ओपन करना शुरू करोगे तुम, अब पेज पर जाओगे, उस पर्टिकुलर पेज पर, तो अब हम लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, अगर है तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ पर क्या देखे, जो डी है ना, डी साइज है ना, डी को यहाँ ले आए, देखो डी कितना बिट है, 21 बिट्स है। ठीक, डी को हम लोग ले आए, 21 बिट्स ले आए। अब डी क्या है, डी है सेगमेंट का साइज है, डी है जो सेगमेंट का साइज है, एल है मैक्सिमम साइज ऑफ गिवन सेगमेंट, वो मैक्सिमम साइज है, एल से कंपेयर किए छोटा था डी, हम लोग ले आए, डी है सेगमेंट का मैक्सिमम साइज 21 बिट्स का। अब सेगमेंट जो था, एक सेगमेंट इतना बड़ा सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हम लोग क्या किए थे, देखो एक सेगमेंट इतना बड़ा सेगमेंट, सब मान लो ये सेगमेंट इतना बड़ा सेगमेंट था, इसको हम लोग पेजेज में डिवाइड किए थे, पेजेज में डिवाइड किए थे। तो जब पेजेज में डिवाइड किए थे तो एक चीज यहां देखो, जिस तरीके से जब पेजेज में हम लोग डिवाइड कर दिए, रफ के लिए रखे हैं थोड़ा सा, अब बोलोगे इतना बड़ा चीज को इतना छोटा रफ में होगा, आराम से होगा, देखो तो जाओ, केवल डी है, मान लो ये हम लोग का डी है, ये पूरा हम लोग का डी है, इतना बिट्स का है, बहुत सारा बिट्स है, इतना बिट्स का डी है। डी क्या बता रहा है, सेगमेंट के साइज को बता रहा है, एक सेगमेंट के साइज को बता रहा है। ठीक, जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं उसके साइज को बता रहा है डी, इतना है। अब सेगमेंट को जब हम लोग पेजेज में डिवाइड करेंगे, मान लो ऐसा सेगमेंट है, इतना बड़ा सेगमेंट है, इसको जब पेजेज में डिवाइड करेंगे, पेजेज में, तो पहले तो सेगमेंट पूरा था, तो ज्यादा बिट चाहिए था, अब क्या है, छोटा हो गया ना, ये पेज छोटा हो गया ना, पेज का साइज कितना हो गया है, देखो पेज का साइज क्या लिखे हैं, पेज साइज ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 4KB, मतलब 4KB का मतलब के कितना है, 2 पावर 10, और कितना है 2 पावर 2, मतलब 2 पावर 12, मतलब कि 12 बिट्स चाहिए, 12 बिट्स चाहिए, तो इसके लिए कितना चाहिए, अब इसके लिए 12 बिट्स चाहिए एक पेज के लिए, एक पेज के साइज के लिए 12 बिट्स चाहिए। तो कितना पेज नंबर है, तो बाकी सब बिट्स क्या करेगा, पेज नंबर को बताएगा, पेज नंबर ही बताएगा ना। तो स्टार्टिंग का फ्रंट का जो है, फ्रंट का बिट से डी का, डी के लिए हम बता रहे हैं, टोटल डी है, ये टोटल डी है, डी में फ्रंट का जो बिट्स है, फ्रंट के बिट्स क्या होता था, एमएसबी,
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये क्या बताएगा, ये बताएगा पेज नंबर, और लास्ट का जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है LSB है, लास्ट वाला राइट हैंड साइड वाला D में ही, यही 21 बिट का ही हम बात कर रहे हैं, जान लो S को छोड़ चुके हैं, S अलग चीज है, S को लेकर हम लोग पेज टेबल ओपन कर लिए, अब D का काम आया है, S हम लोग को मिल गया है, S का जो भी जरूरत था S से हम लोग यहाँ आए सेगमेंट टेबल में, यहाँ से बेस एड्रेस को लिए, उस बेस एड्रेस को लेकर पेज टेबल हम लोग ओपन कर चुके हैं। अब उस पेज टेबल में कौन सा पेज क्या डेटा एक्सेस करना है वो हम लोग को D से पता चलने वाला है, तो D को हम लोग देख रहे हैं, तो D को जो D था सेगमेंट का साइज है, इसको फर्दर डिवाइड किए, क्या जो फ्रंट का बिट्स है MSB है जो ओ उस पर्टिकुलर सेगमेंट का पेजेस को बताएगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारा पेज होगा, एक पेज का साइज कितना है 4KB गिवन है, इस एक डायग्राम के अकॉर्डिंग 4KB है, तो मान लो इसके लिए 12 बिट्स चाहिए, तो D कितना है, D का साइज 21 बिट्स है, D का साइज है 21 बिट्स, ठीक, ये टोटल 21 बिट्स है, यहां से लेकर यहां तक 21 है, और एक पेज का साइज 12 है, तो यहां पर क्या हुआ 12 हो गया। लास्ट वाला LSB क्या है जो पेज के साइज को बताएगा, मतलब इसको हम लोग लिखते हैं D1 क्या है, पेज साइज बता रहा है, तो 12 बिट्स यहां आ गया, तो 21 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा, 21 माइनस 12 करेंगे तो 9 आएगा, मतलब 9 बिट्स है जो नंबर ऑफ पेजेस के लिए है, पेज नंबर के लिए 9 बिट्स है, तो कितना पेज हुआ, तो 9 बिट्स अगर चाहिए तो नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा, 2 पावर 9, 512, यही हुआ ना, मतलब कि 2 पावर 9 पेजेज है, समझ रहे हो, इसी डी से हम लोग पेज और पेज का साइज सब निकाल लिए, क्यों, क्योंकि डी है सेगमेंट का साइज, और सेगमेंट में ही तो पार्टीशन हुआ है, तो सेगमेंट को बताने के लिए अगर डी है और सेगमेंट को जब हम अगर पार्टीशन किए डिवाइड कर दिए तो डी को भी डिवाइड करेंगे ना, देखो डी पूरा ये था, डी को भी फर्दर डिवाइड कर दिए, कुछ है जो यहाँ पेज में डिवाइड किए तो कुछ नंबर ऑफ पेज के लिए बताया और कुछ पेज के साइज को बताया, तो पेज साइज हम लोग को यहाँ से मिल गया, गिवन हुआ क्वेश्चन में, मतलब कैसे कितना पेज साइज में है वो प्रोवाइडेड होता ही है, तो पेज साइज है जो 4KB है, वही फ्रेम का भी साइज है 4KB है, मतलब के मतलब 2 पावर 10 और 4 2 पावर 2 12 बिट्स डी के लिए चाहिए, बाकी बच गया 9 बिट्स पेज के लिए चाहिए, पेज नंबर के लिए एक्चुअली, तो यहां से देखो डी को हम लोग लाए, पहले कंपेयर किए थे जो एल से स्मॉलर है कि नहीं, डी लेस देन इक्वल टू एल है कि नहीं, अगर नहीं है तो ट्रैप हो गया, अगर है तो हम लोग आगे बढ़े, डी को डी जो है देखो 21 बिट्स का डी है, इसको फर्दर डिवाइड किए कितना, D1 12 बिट्स, देखो D1 12 बिट्स है ना, और P1 9 बिट्स, देखो यहां पर P1 9 बिट्स, मतलब इतना नंबर ऑफ पेजेस है, तो P1 है जो 9 बिट्स है, ठीक, तो P1 बता रहा है, P1 क्या बताएगा, कौन से पेज को एक्सेस करना है, P1 क्या बताएगा, कौन से पेज को एक्सेस करना है, जिस तरीके से S है जो बताया कौन से सेगमेंट को एक्सेस करना है, तो कौन से सेगमेंट था, तो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए हम लोग सेगमेंट टेबल में गए, उस एंट्री में गए, क्योंकि सेगमेंट टेबल का नंबर ऑफ एंट्रीज होगा जो नंबर ऑफ सेगमेंट के बराबर होगा, जितना सेगमेंट LS में है टोटल वो पूरा सेगमेंट के लिए एक एक एंट्री होगा, यहां से सेगमेंट नंबर के लिए गए तो सेगमेंट नंबर में गए तो उस सेगमेंट का पेज टेबल हम लोग को मिला, मतलब पेज टेबल का बेस एड्रेस मिला, उस बेस एड्रेस से हम लोग एक पेज टेबल में आए, तो पेज टेबल ओपन है और डी को हम लोग डिवाइड किए, पहले चेक कर लिए डी लेस देन इक्वल टू एल है कि नहीं, अगर है तो हम लोग डी को फर्दर डिवाइड किए, ये तो पेज टेबल है ना, ये पेज टेबल क्या है, इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज है जो देखो 0th, 1st, 2nd ऐसे बहुत सारा पेजेज है, तो बहुत सारा एंट्री है, जितना एंट्री है उतना ही पेज में डिवाइड हुआ होगा, बताए थे
पेज टेबल का नंबर ऑफ एंट्री इन अ पेज टेबल इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन सेगमेंट। किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बात करो, अगर पेजिंग टेक्निक का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल ऑफ पेजिंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द एलएस। एलएस में जितना पेज होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री यहां होगा। समझ रहे हो बात को? ए तो देख लिए, हम लोग क्या किए अभी, डी को P1 और D1 में डिवाइड किए। D कितना है, 21 बिट्स का है। P1 और D1 में कैसे किए, D1 12 बिट्स का कैसे आया था यहाँ देख लिए थे हम लोग। जो पेज का साइज था 4KB, ये पेज का साइज देखो 4KB है, तो 4KB का मतलब 12 बिट्स हुआ, तो D1 है जो 12 बिट्स का हो गया, तो 21 बिट्स में से अगर 12 D1 हो जाए तो बाकी बच गया जो किसके लिए रहेगा, P1 के लिए रहेगा। तो 21 माइनस 12, तो P1 के लिए 9 बिट्स आ गया। फिर यहाँ क्या देखिए, 9 है मतलब क्या है, 2 पावर 9 पेजेज होगा उस सेगमेंट में, तो पेज टेबल में एंट्री भी उतना ही होगा, देखो 0, 1, 2 अप टू 2 पावर 9 माइनस 1। समझ रहे हो, तो इतना ही एंट्री भी होगा पेज टेबल में। तो अब यहां से अगर पेज नंबर हम लोग को पता चल गया है, P1 से क्या पता चला, P1 से हम लोग को पेज नंबर पता चल गया है, तो क्या करेंगे, उस पेज नंबर मतलब उस नंबर एंट्री में, पेज टेबल का हर एक एंट्री एक पेज को बता रहा है, एक पेज के बारे में हर पेज के लिए एक एंट्री है, यहां से पेज नंबर पता है ना, ये पर्टिकुलर पेज के लिए उस एंट्री में हम लोग चले आए, इस एंट्री में चले आए। यहां पर क्या मिला हम लोग को, यहां पर मिला फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर का मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर पेज चाहिए हम लोग को वो कौन से फ्रेम में है स्टोर, जो हम लोग कॉपी किए थे, जो हम लोग कॉपी किए थे यहां से, देखो ये सेकेंड नंबर सेगमेंट है ना, सेगमेंट को सेकेंड नंबर सेगमेंट है, सेकेंड नंबर सेगमेंट, इसमें फर्दर ऐसे ऐसे डिवीजन था, किसी एक पर्टिकुलर पेज हम लोग को चाहिए था, पेजेस में डिवाइड किए थे सेगमेंट को, पर्टिकुलर पेज चाहिए था, इस पेज को हम लोग कॉपी किए और कहाँ लाए, यहाँ पर लाए थे, इस पर्टिकुलर फ्रेम में लाए थे। देखो फ्रेम्स है, PAS है, PAS है ना, रैम है ना, इसमें फ्रेम्स में डिवाइड है, फ्रेम का साइज पेज के साइज के इक्वल है, ठीक 4KB का है, ये भी 4KB का है सब एंट्री। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रेम में एफ से यहां से एफ लिए ना, एक पेज नंबर से एंट्री में गए, पेज टेबल के एंट्री में गए हम लोग, यहां से हम लोग को मिला फ्रेम नंबर मिला कि कौन से फ्रेम में एक पर्टिकुलर पेज स्टोर्ड है, यहां से हम लोग को फ्रेम नंबर मिल गया। और इस फ्रेम नंबर को लेकर हम लोग गए यहां, फ्रेम नंबर कितना बिट्स का है, 16 बिट्स का है, कैसे पता चला, PAS डिवाइड में हुआ है देख लिए हम लोग, PAS कैसे है देखो, 2 पावर 16 माइनस 1, 0 to 2 पावर 16 माइनस 1, मतलब 2 पावर 16 फ्रेम्स है, नंबर ऑफ फ्रेम्स PAS में 2 पावर 16 है। तो मान लो एफ है जो कितना बिट्स का है, एफ है जो 16 बिट्स का है, तो 16 बिट्स का जब एफ है तो यहां से एफ लिए, एफ यहां चला आया और एक फ्रेम नंबर बता रहा है, एक फ्रेम में क्या होगा, एक ही पेज होगा, याद है ना, तो क्यों, क्योंकि फ्रेम का साइज पेज का साइज इक्वल है, इसलिए एक फ्रेम में एक ही पेज होगा। उस पेज के अंदर के डेटा, उस पेज में क्या क्या डेटा है, यहां से तो फ्रेम नंबर मिला, ये फ्रेम नंबर ले आए, और एक फ्रेम का साइज कितना है, 4KB है, उतना ही है जितना एक पेज का साइज था। तो D1 क्या बता रहा था, देखो D1 क्या बता रहा था, इस साइड का D1 जो लिखे थे 12 बिट्स, D1 क्या बता रहा था, D1 पेज के साइज को बता रहा था। तो D1 से F से हम लोग पार्टिकुलर फ्रेम को सिलेक्ट किए, देखो पार्टिकुलर फ्रेम को सिलेक्ट किए, और D1 से उस फ्रेम में बहुत सारा एंट्री है, एक पार्टिकुलर एंट्री को हम लोग एक्सेस कर लिए। हम लोग को ब्लू से इसको मार्क कर देते हैं, जो पार्टिकुलर एंट्री चाहिए, जो पार्टिकुलर एंट्री मान लो ब्लू वाला एंट्री हम लोग को चाहिए, तो F से हम लोग इसमें आए, यहाँ आए, F लेकर हम लोग यहाँ आए,
एफ से, एफ मान लो यहां हम लोग को लेकर आया, ठीक। और डी वन कहां लेकर आया, डी वन से इसके अंदर के एंट्री में गए, यहां पर गए डी वन से, मतलब फ्रेम नंबर पर्टिकुलर फ्रेम को सिलेक्ट किए, डी वन से इसके अंदर गए, जैसे पेजिंग में करते आ रहे हैं, पेजिंग में ही तो करते हैं, पेज टेबल में जाते हैं, पेज टेबल से हम लोग को फ्रेम नंबर मिलता है, उस पर्टिकुलर फ्रेम में गए, पेज साइज का जो बिट्स होता है वहां से उस फ्रेम का इंटरनल डेटा को एक्सेस करते हैं। क्यों? क्योंकि डी वन देखो क्या है, डी वन क्या है, पेज साइज और ऑफसेट ऑफ सेगमेंट, या फिर ये लिख सकते हैं पेज ऑफसेट, पेज साइज और ये साइज के लिए है, साइज बोलो या ऑफसेट बोलो, पेज साइज या पेज ऑफसेट ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट का पेज का साइज कितना है। तो पर्टिकुलर फ्रेम में हम लोग गए और यहां से हम लोग डेटा को रिट्रीव कर लिए, फेच कर लिए, जो भी है रीड राइट कुछ भी करना है अपना कर लिए काम। तो डी वन मिला, आप समझ गए पूरे चीज को, समझ रहे हो पूरा डायग्राम है, एक बार अच्छे से देखो, यहां से लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है, यहां सेगमेंट टेबल है, लॉजिकल एड्रेस एस और डी में डिवाइड हुआ, एस है जो सेगमेंट नंबर बताया, डी है जो सेगमेंट का साइज बताया, एस से हम लोग सेगमेंट टेबल में पर्टिकुलर सेगमेंट में आए, उस सेगमेंट में देखे कि दो एंट्री है, एक्स है और एल है, एक्स क्या है बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल ऑफ गिवन सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट का, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग एस से आए हैं, उस सेगमेंट का पेज टेबल कहीं पर स्टोर्ड है, उसी पेज टेबल का बेस एड्रेस है एक्स, तो एक्स को लेकर ऐसे गए, उस पेज टेबल को हम लोग ओपन कर लिए, पेज टेबल को ओपन कर लिए। पेज टेबल क्यों है, क्योंकि हम लोग सेगमेंट को डिवाइड किए हैं पेजेस में, सेगमेंट का साइज बहुत ज्यादा था इसीलिए, तो ये पेज टेबल है, यहां से हम लोग एक्स से इसको ओपन कर लिए। अब एल आया, एल के लिए यहाँ डी है, सेगमेंट का साइज है, यहाँ मैक्सिमम साइज जो सेगमेंट बता रहा है एल है जो, तो डी और एल को कंपेयर किए, अगर डी लेस देन इक्वल टू एल नहीं रहा तो ट्रैप टू एस हो गया, अगर रहा यस रहा तब क्या हुआ, यस रहा तो इस डी को यहां लेकर आए हम लोग, डी को फर्दर डिवाइड किए, क्योंकि डी क्या है, डी है साइज ऑफ सेगमेंट, डी है जो सेगमेंट का साइज है, जब एक सेगमेंट को हम लोग डिवाइड किए हैं बहुत सारे पेजेज में, मतलब कुछ नंबर ऑफ पेजेज बना होगा, एक पेज का साइज होगा, एक पेज का साइज यहाँ गिवन था हम लोग को 4KB, तो डी को डिवाइड किए दो पार्ट में, एक पेज के लिए एक पेज के साइज के लिए, पेज का साइज मान लो डी वन मान लेते हैं, तो यहाँ 12 बिट्स है, क्यों 4KB 12 बिट्स के लिए होता है, 12 बिट्स बनेगा, तो यहाँ डी वन 12 लिए और पेज नंबर के लिए 21 माइनस 12 किया तो पेज नंबर 9 आ गया, मतलब पेज नंबर के लिए 9 बिट्स है, 2 power 9 पेजेज है, तो जितना पेजेज है उतना ही पेज टेबल में एंट्री है गिवन, देखो 2 power 9 minus 1 फ्रॉम 0 to 2 power 9 minus 1 2 power 9 एंट्रीज है यहाँ पर, तो यहाँ से पेज नंबर लेकर पर्टिकुलर एंट्री में आए, पेज टेबल के पर्टिकुलर एंट्री में आए, यहाँ पर हम लोग को मिला फ्रेम नंबर मिला, तो ये फ्रेम नंबर लेकर गए यहाँ से, और यहाँ जो पेज का साइज था वो लेकर गए, और एफ और डी वन से हम लोग फिजिकल एड्रेस बनाए, पर्पस यही था ना, जो भी स्टार्टिंग से पेजिंग करते आ रहे हैं क्या था, ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस, ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाई प्रोसेसर और सीपीयू इनटू फिजिकल एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है उसको फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर रहे हैं हम लोग, यही पेजिंग था, ठीक। तो फिजिकल एड्रेस यहाँ एफ है, यहाँ डी है, एफ मतलब कि किसी फ्रेम नंबर को बता रहा है, पीएएस में आए, बहुत सारा फ्रेम इसमें है, पर्टिकुलर फ्रेम में गए और डी वन से उस फ्रेम के इंटरनल डेटा को, जो क्योंकि फ्रेम ऑफसेट पेज ऑफसेट है डी वन, उस फ्रेम के साइज को बता रहा है, इसके अंदर में गए पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर लिए, बस यही है और कुछ नहीं है। एक बार देखो पूरे डायग्राम को, एक बार देखो हम क्या करेंगे, हम पानी पियेंगे, अब तुम लोग तो पी रहे होगे, हम तो ना पिए थे उतना देर से, अरे तुम लोग भी पियो,
तुम लोग भी पानी पियो और देखो एक बार आराम से। कहीं कहीं मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कोई पार्टिकुलर चीज, तो एक बार और देखना। ऐसे मोस्ट प्रॉब्ली समझ में आ गया हो कि बहुत बार हम रिपीटेशन किए हैं, बीच में 5 मिनट अगर नहीं भी देखे होगे ना तब भी समझ में आएगा। इसीलिए इतना टाइम लेकर हम पढ़ाते हैं, क्योंकि जनरल जो कंसंट्रेशन होता है वो स्पेन जो है कंसंट्रेशन का वो उतना लंबा नहीं रह पाता है किसी का भी, समझ रहे हो? एवरेज कंसंट्रेशन स्पेन उतना लंबा नहीं है। इसलिए क्या है, रिपीट करने से क्या है, कहीं छूट भी गया है कोई चीज तो आगे समझ में आ जाए। इसमें जानते हो स्टार्टिंग से लेकर पेजिंग से लेकर अप टू सेगमेंटेड पेजिंग तक सब कुछ बता दिए, केवल बीच में इन्वर्टेड पेजिंग जो था उसमें कुछ नहीं है, इन्वर्टेड पेज टेबल होगा। और सब प्रोसेस के लिए, जितना भी प्रोसेस है सब प्रोसेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ही पेज टेबल बनाएंगे, इन्वर्टेड पेज टेबल सब प्रोसेस के लिए। बाकी में क्या है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अपना अपना पेज टेबल होता था, जैसे पेजिंग ले लो या मल्टी लेवल पेजिंग ले लो, सबके लिए अपना अपना था। और इन्वर्टेड वाले में क्या था, सब प्रोसेस का एक ही है। देखो भैया आए हैं, एसी के सामने खड़े हैं, गर्मी लग रहा है। नहीं रुकिए रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, रुक जाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पर इन्वर्टेड वाले में क्या तो हो रहा था, सब जब जितना भी प्रोसेस है सब प्रोसेस के लिए एक ही टेबल जब क्रिएट कर रहे थे, उसमें हुआ क्या था, एक चेंजेस था वहां पर, एक मेजर चेंज हुआ था। पहले पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्री जो पेज टेबल का था, नंबर ऑफ एंट्री जो पेज टेबल का था पेजिंग में या मल्टी लेवल पेजिंग में, वो नंबर ऑफ एंट्री इक्वल था नंबर ऑफ पेजेज ऑफ एलएस। एलएस में जितना पेज था उतना ही नंबर ऑफ एंट्री था पेज टेबल में, लेकिन इन्वर्टेड पेज टेबल में क्या था, जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है पीएएस में उतना एंट्री है, समझ रहे हो? नंबर ऑफ फ्रेम्स इतना था उतना नंबर ऑफ एंट्री था इन्वर्टेड पेज टेबल में, बस यही इतना था और कुछ नहीं। अब बाकी डिटेल में अगर देखना है तो जाकर इन्वर्टेड पेज टेबल एक बार देख लेना अच्छे से। और इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये समझ जाने का मतलब क्या है कि पूरा नॉन कंटिजियस, कंटिजियस में तो कुछ ऐसा है नहीं, अरे फिक्स्ड पार्टीशन है, वेरिएबल पार्टीशन है, बस दो वर्ड को देखना है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और एक और कंपैक्शन। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसे बस यही देखना है। और फिर फिट के लिए देख लेंगे, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, जो भी एल्गो था वो जितना भी मेमोरी को एलोकेट करने का वो सब तरीके को देख लेंगे, क्या क्या वेज में था, बस यही इतना है। उसके बाद तो नॉन कंटिजियस वाले में ही है, तो बाकी पेजिंग से लेकर अप टू सेगमेंटेड पेजिंग सब बता दिए। इसके बाद क्या करेंगे, क्या लगता है इसका क्वेश्चन करेंगे इसका, है ना? और इसके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे पेजिंग में, पहले जो पेजिंग में हम लोग क्वेश्चन किए थे, पेजिंग या मल्टी लेवल पेजिंग या कहीं भी इन्वर्टेड पेजिंग हो गया या फिर सेगमेंटेशन हो गया, कहीं भी हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, तो क्या वहां करते थे हम लोग को, चलो इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ को, समझो क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, एक जनरलाइज पैटर्न बनाओ, इसको भी मिटाते हैं।
जो क्वेश्चन हम लोग को आ रहा था, जो सिंपल जानो, दिखने में लग रहा था कि इतना तरह का क्वेश्चन है, वो कुछ भी नहीं है। उतना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक दो ही चीज को बार बार रिपीट करेगा और कुछ ना करेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, रिपीट ही होगा। तो क्या होगा,